सो हेलो गाइस वेलकम टू द बी स्पोर्ट्स ऐसे यूजुअल बात कर लेते हैं एएफएफ के बारे में तो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम यू नो एएफसी एशियन कप क्वालीफायर से पहले और भी तीन फ्रेंडली मैचेस खेलने वाले एंड ओपोनेंट का नाम थोड़ा सा सामने निकल के भी आ चुका है एंड डेफिनेटली लाइक एक बहुत बहुत ज्यादा एक हाई वोल्टेज एंड यू नो हाई इंटेंस मैचेस यू नो प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिया के लिए क्योंकि जो तीन ओपोनेंट्स हो सकते हैं इंडिया के फ्रेंडली मैचेस में वो तीन नेशन है वियतनाम किर्गिस्तान एंड फिलीपींस अब इनमें से फिलीपींस ही सबसे वीक टीम है एंड किर्गिस्तान एंड वियतनाम इनका तो क्या रैंकिंग भी इंडिया से ज्यादा बेटर है एंड वियतनाम का रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है सो so वहां पर भी

साथ जॉर्डन एंड जांबिया जैसे नेशन भी है लिस्ट में सो so, अगर लाइक यू नो इन तीनों में से कोई कैंसिल हो जाता या फिर, you know, नहीं कर पाते तो जॉर्डन केाम्बिया you know, भी, के so, तो भी तो आपको मिल जाएगा so, भारती के तरफ से, तो भारती एक इंडियन एटीन सेंट्रल फॉरवर्ड पोजिशन के प्लेयर है एंड लाइक यू नो इससे पहले वो पोलैंड में खेल रहे थे उनका नया क्लब

वाला आईएसएल में या फिर आई लीग में भी उनको इतना ज्यादा प्ले टाइम नहीं मिलेगा सो so, मेरे सबसे उनका ये जो डिसीजन है काफी सही डिसीजन है यूरोपियन यू नो सर्किट में ट्रेनिंग करना भी काफी एक अच्छा चीज होता है टैलेंटेड प्लेयर इंडिया के फ्यूचर है ये सो so, उम्मीद करते हैं कि यू you नो know, कोलम्बियन सेकंड डिवीजन में इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सच में हीरो सुपर कप की तरफ से तो हीरो सुपर कप नेक्स्ट ईयर से यू you नो know, तीन टूर्नामेंट के टीम्स खेलेंगे यहाँ पे एंड वो तीन टूर्नामेंट है आई आई लीग एंड आई लीग सेकंड डिविजन तो इन सारे जितने भी लीग होते हैं बेसिकली यू नो आई लीग को तो एज अ कप टूर्नामेंट टूर्नामेंट रजिस्टर किया गया है एंड आई लीग सेकंड डिवीजन वही रेलीगेशन वाला मैटर है सो so बेसिकली हर एक टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा जितने भी टीम्स आई आई लीग लीग एंड सेकंड डिवीजन में खेलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बात है एंड लाइक यू नो सुपर कप को भी काफी एक बड़ा शेप देगा ये एंड मेरे सबसे अच्छा डिशन है सुपर कप देख लें अगर हम लोग ऐसे भी देख ले इंग्लैंड में जो होता है उसमें तो खैर फिफ्थ सिक्स डिवीजन में भी जितने भी क्लब्स होते हैं वो भी खेलते हैं ऐसे एंड ये लाइक यू नो क्लब्स को डेवलप करने में भी हेल्प करता है अभी उतना ज्यादा डीप तो है नहीं इंडियन फुटबॉल मतलब एक टाइम पे था बट अभी उतना नहीं है अभी अगर हम लोग यहां पे स्टेट लीग्स को भी कंसीडर करें तब हम लोग उतना ह्यूज लेवल में जा सकते हैं डेफिनेटली बट लाइक अभी के लिए तो ये तीन टूर्नामेंट्स को मिला के सुपर कप किया जाएगा मैं तो खैर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये कंफर्म है मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये कंफर्म हो चुका है एफएफ ने तो खुद ये कंफर्म कर दिया है एंड उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सीजन जो सुपर कप होने वाला है वो एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट हो एंड आगे भी हम लोग सुपर कप को कंटिन्यू होते देख पाए क्योंकि यार इससे पहले काफी टाइम से यू नो पेंडेमिक के कारण बंद था सुपर कप सो

लाइक यू नो इंटरनेशनल फुटबॉल में कि अगर लाइक कोच चेंज होता है तो नया जो कोच आएगा उन्हीं के स्टाफ में आएंगे एंड जावी का खुद का एक टीम है स्टाफ का तो वही आए बार्सिलोना में एंड uh, अभी यू नो एल्बर्ट रोकान नहीं है बार्सिलोना की टीम में जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ सो डेफिनेटली बहुत अच्छा डील होगा के एलबर्ट रोका नो डाउट बहुत अच्छे कोच है उन्होंने जिस हिसाब से एक टाइम पे बैंगलोर को मैनेज किया नो डाउट बेस्ट कोचेस ऑफ बैंगलोर एंड इंडिया में भी यू नो कोचिंग करवाने वाले कुछ टॉप कोचेस का अगर हम लोग नाम लें तो उसमें एल्बर्ट रोका का नाम डेफिनेटली आएगा बहुत ही टॉप क्लास कोच है अटैकिंग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं एंड गोवा का जो प्लेइंग स्टाइल है उसमें काफी ज्यादा भी करते हैं लाइक उनका यू you नो know, प्लेइंग स्टाइल उनका तो देखते कि क्या फाइनली का गोवा में आते है नहीं लालीगा की तरफ से तो लालीगा में आज मैच है बार्सिलोना वर्सेज सेविला एक बहुत बहुत ज्यादा हाई इंटेंस एंड इंटरेस्टिंग मैच अब यहाँ पे यू नो सेविला कितना ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा इसको लेकर डाउट है क्योंकि बार्सिलोना अलग ही फॉर्म के साथ अभी खेल रहे हैं एंड लगता नहीं है कि वो रुकने वाले कहीं पर भी एंड रुकना चाहिए भी नहीं है इतना अच्छा फॉर्म है उनका वो क्यों रुकेंगे एंड बहुत बहुत ही ज्यादा एक तगड़ा लेवल का मैच होने वाला है क्योंकि अगर ये मैच बार्सिलोना जीत जाते हैं तो बार्सिलोना डायरेक्टली सेकंड पोजिशन में चले जाएंगे हा नंबर में जाना बहुत मुश्किल है बट एटलीस्ट में जाएंगे एंड वो मेरे हिसाब से ज्यादा एक बेटर होगा बार्सिलोना के लिए फिनिश करना एंड देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है की तरफ से में आज एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच है जुवेंटर्स वर्सेज एंड डेफिनेटली मैच के लिए एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा है एंड अगर हम लोग लाइक मैच को प्रॉपर

बहुत एक हाई वोल्टेज मैच होने वाला है एंड देखते हैं कि यह मैच फाइनली कौन सा टीम जीतता है